पूर्णिया के राम जानकी गोकुल कृष्ण ठाकुर बाड़ी रजनी चौक से भगवान राम लक्ष्मण सीता के अष्ट धातु की 3 मूर्तियां चोरी हो जाने के मामले में बहुत जल्द खुलासा हो सकता है, क्योंकि फॉरेंसिक टीम को जांच के दरमियान कई अहम जानकारियां एवं प्रमाण मिले हैं। जांच टीम को कुछ दवाइयां और रेलवे टिकट भी मिले हैं, जिसे जांच टीम ने विशेष जांच के लिए जब्त कर ली। हालांकि मुरारी बाबा के बिछावन के पास रहने वाली झोली में कई तरह की दवाइयां भी मिली हैं, किंतु जांच टीम ने उन दवाइयों में से कुछ ही दवाइयों को जब्त की है। जब्त दवाइयां किसी बीमारी की थी या फिर बाबा शक्तिवर्धक दवाइयां ले रहे थे, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। किंतु जब जांच टीम को कई दवाइयां उनकी झोली से मिली तो महज कुछ ही दवाइयों को जांच टीम ने विशेष जांच के लिए क्यों ले गई और रेलवे टिकट कब और कहां से कहां तक जाने के लिए बनाया गया था, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। टीम के सदस्यों से जब इससे संबंधित सवाल किया गया तो टीम के लोगों ने इस संदर्भ में कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया। कोषियालोक से बातचीत के दरमियान टीम के लीडर डॉक्टर राघव ने कहा कि कुछ अहम जानकारियां उन्हें मिली है, जिसे वे मीडिया को नहीं बल्कि पूर्णिया एसपी को बताएंगे। यहां पर जो मंदिर में 3 मूर्तियों का जो चोरी हुआ है, अष्टधातु मूर्ति की चोरी की सूचना विधि विज्ञान प्रयोगशाला भावलपुर को प्राप्त हुई है, और तदुपरांत यहाँ पर टीम आई है और टीम ने कई सारे महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं, अभी अनुसंधान में है, जैसे ही सिग्निफिकेंट लीड मिलेगा बता दिया जाए। ऐसा कुछ अभी तक लगा है कि नहीं, किस दिशा में कुछ मिल पाएगा? वो अभी कन्वे कर देंगे, हम एसपी साहब कन्वे कर देंगे। क्या अपनी टीम में कितने लोग? 3 सदस्यीय टीम है। जांच के दरमियान टीम ने फिंगरप्रिंट को भी देखा और कई आवश्यक जानकारियां जुटाने में सफल रही। इस दरमियान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए, जिसके कारण टीम की सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस मौजूद रही। इस संदर्भ में स्थानीय लोगों ने बताया कि उन लोगों ने मूर्ति चोरी की रात्रि को कुछ लोगों को रात्रि करीब 12 बजे मंदिर में जाते हुए देखा था, जिसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि आखिर वे लोग कौन थे और किस उद्देश्य से बाबा से मिलने आए थे। वो बाबा कहाँ गया? 3 रात में आया, 12 बजे रात में आया और 3 बजे भोर में गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? 12 बजे रात में आया। ये हाँ आया है यहाँ। आप कैसे देख ली 12 बजे? क्योंकि हम यहाँ गार्डिंग करते हैं, गार्डिंग करते हैं, हम अपनी गाड़ी भी चलाते हैं और मेला को देखते हैं। आप गार्ड में हैं यहाँ? हाँ, वहाँ मेला में। अभी हम लोग का, अच्छा आप लोग का क्या मांग है, आप लोग क्या चाहते हैं? आना चाहते हैं? हमको मंदिर का मूर्ति चाहिए। हालांकि आरोप लगाने वाला व्यक्ति भी सही तरह से सवालों का जवाब नहीं दे पाया। स्थानीय एक युवक ने बताया कि उन्होंने फॉरेंसिक टीम को कुछ दवाइयां एवं रेलवे टिकट को जब्त करते हुए देखा है और उसके अलावे उनके पास कोई जानकारी नहीं है। देखे कि फॉरेंसिक लैब से आए हुए थे तो पदाधिकारी लोग, तो उसमें अभी पहले तो जहां मूर्ति रखी हुई थी भगवान की, वहां पे कुछ जांच वगैरह की है वहां पे। उसके बाद फिर जहां मुरारी बाबा जो सोते हैं तो वहां पे वो लोग जांच किए, तो वहां पे कुछ टिकट मिला जो कि बाबा बनवाए थे, और कुछ दवाई वगैरह था जो अपने साथ में वो लोग जांच के लिए लेके गए हैं। अभी तो फिलहाल हम इतना ही देख पाए हैं कि वो लोग जब आए थे, दवाई अपना स्तर से वो लोग जांच कर रहे थे, पदाधिकारी लोग अपने स्तर से जांच कर रहे थे, और दवाई किस चीज़ की है ये तो बताना मुश्किल है, क्योंकि वो दवाई जो मिले वो अपने साथ में वो लोग लेकर के गए। तो सारी दवाई लेके चले गए या कुछ दवाई? नहीं, उसमें से कुछ दवाई लिए और कुछ दवाई था जो वहाँ पे रख दिए, और कुछ ही दवाई लेकर के वो अपने साथ में वो लोग जो टिकट वगैरह था वो लेकर चले गए। हाँ, टिकट वगैरह जो था वो सब लेकर के चले गए वो लोग। बहरहाल ये मामला लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ है और लोग तत्काल मामला का खुलासा और मूर्ति का रिकवर चाह रहे हैं, और लोगों की भावना को देखते हुए पुलिस भी युद्ध स्तर पर जांच को आगे बढ़ा रही है ताकि मामले का सही खुलासा हो सके और जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई भी की जा सके। आपने नर्सिंग ही क्यों चुनी? मेरी ख्वाहिश है, काफी इंटरेस्टिंग है। नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है
जो कि पूरी तरह से सेवा भाव पर आधारित है। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टेक्ट नंबर 7739023553। AGL redefines glamour with its ultra glamorous Grastec Double XL is ideally suitable for hotels, restaurants. फर्श पर खिलती है, दीवारों पे सजती है। कॉन्टेक्ट नंबर 9470022188।